is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. नमस्कार, मैं रवीना एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर हेडलाइन पर। महाराष्ट्र के नर्मदा में नाव पलटने से 6 लोगों की मौत, महिला दलाल समेत 6 देह व्यापार में 3 आरोपी भेजे गए जेल। छत्तीसगढ़ रायपुर में छात्रा के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के नर्मदा में नाव पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हो चुके हैं। घायलों को नजदीक की अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। हादसे में मारे गए लोगों को अभी तक पहचान नहीं हो पाई। महिला दलाल समेत देह व्यापार के 3 आरोपियों को भेजा गया जेल। रायपुर में पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी एक मकान में सोमवार की रात देह व्यापार के मामले में पकड़ी गई महिला दलाल समेत 3 आरोपियों को मंगलवार को पुलिस ने कोर्ट पेश किया है। पुलिस ने बताया कि प्रोफेसर कॉलोनी स्थित मकान नंबर 172 में देह व्यापार की शिकायत पर पुलिस अफसरों ने पॉइंट भेजा, फिर इशारा मिलते ही मकान में दबिश देकर महिला दलाल और व्यक्ति को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ रायपुर में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। एक बार फिर वही संगीन वारदात दर्ज हुई है। ऑटो चालक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर एक स्कूल